महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष आशुतोष तिवारी व मधुसूदन त्रिपाठी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को चंपा देवी पार्क में राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने के लिए महानगर कार्यालय अल अहदादपुर में मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली महानगर के सभी वार्डो में जाकर लोगों से प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर पार्टी के दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, अनिल सोनकर, रोहन पांडे, प्रणव उपाध्याय, तस्नीम आलम अंसारी, गोपाल गांधी, श्याम शरण श्रीवास्तव, मोहम्मद अरशद, प्रभात चतुर्वेदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी व गोरखपुर सदर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 आशुतोष तिवारी जिंदाबाद, 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 आशुतोष तिवारी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आगामी 31 अक्टूबर को हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी चंपा देवी पार्क में अपने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। उस रैली में इस पूरे गोरखपुर महानगर से अधिक लोगों को पहुंचने के लिए, प्रियंका जी को सुनने के लिए और आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, बेटियों के लिए जो उनका प्रतिज्ञा होगा, उस प्रतिज्ञा को सुनने के लिए हम लोग आज इस शहर में महानगर कांग्रेस कमेटी मोटरसाइकिल से घर घर जा कर के लोगों से उस चंपा देवी पार्क में पहुंचने के लिए अपील करेंगे। ये माननीय हमारी नेता प्रियंका जी आ रही हैं 31 तारीख को 10 बजे चंपा देवी पार्क में, और जन जागरण के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसको उनकी बातों को सुने। जो प्रतिज्ञा यात्रा उन्होंने किया है, जो साथ दिया है मैनिफेस्टो अपना, उसको लोग जाने और हमारे उन कार्यक्रम को सफल बनाएं, इसके लिए जन जागरण हो रहा है।